काली रात के अंधेरे में जब हम चलते हैं तो लगता है कि कोई हमारा पीछा कर रहा है। हम पीछे मुड़कर देखते हैं पर मिलता है सिर्फ सन्नाटा। अब सोचिए, फिर वो एक्स्ट्रा जूतों की आवाज किसकी थी? रात को सोते वक्त आंखें खुलती, ऐसा लगता है खिड़की के बाहरी हिस्से में कोई खड़ा है। कांपते कदमों से पास जाकर देखते हैं, वहां कोई भी नहीं होता। इस तरह के अनुभव से तकरीबन सभी लोग गुजरते हैं। अब क्या ये कोई भ्रम है या फिर कोई पैरानॉर्मल एक्टिविटी? अगर ये आपको भी डर लगता है तो आप इस वीडियो को देखने से पहले जरा हिम्मत जुटा लीजिए, क्योंकि हम बताने जा रहे हैं इंडिया टॉप 10 हॉन्टेड रेलवे स्टेशन के बारे में, जहां ऐसी घटनाएं आम हैं और लोग यहां रात ही नहीं दिन में भी आने से डरते हैं। नंबर 1, बारोक स्टेशन शिमला। रात के वक्त आप किसी भी रेलवे स्टेशन पर बैठे हों और अचानक वहां चीखने चिल्लाने की आवाज आने लगे, ऐसे में आप क्या करेंगे? हिमाचल प्रदेश के शिमला के बड़ोक रेलवे स्टेशन के बारे में कुछ ऐसा ही कहा जाता है। लोगों का मानना है कि यहाँ एक मर्द के चीखने चिल्लाने की आवाजें आती रहती और ये आवाज कर्नल बारोक की बताई जाती है, जिन्होंने इसी सुरंग में आत्महत्या कर दी थी। इस सुरंग के पास कर्नल बारोक की मौजूदगी आज भी महसूस की जाती है। कई लोगों का ये कहना है कि वो अक्सर यहाँ घूमते फिरते दिख भी जाते हैं। कर्नल बारोक अंग्रेज के जमाने के कर्नल थे। इस सुरंग को उन्हीं ने बनवाया था, पर सुरंग बनने के बाद उनके सहकर्मियों ने किसी बात को लेकर उन्हें काफी अपमानित किया, जिसके बाद उन्होंने सुसाइड कर लिया था और तब से आज तक ये जगह भूतिया कहलाती है। नंबर 2, बेगुनकोडोर रेलवे स्टेशन वेस्ट बंगाल। बेगुनकोडोर रेलवे स्टेशन पर शाम के बाद आज भी लोग जाने से कांपते हैं। कहते हैं शाम के बाद यहाँ एक लड़की टहलती नजर आती है। जिसने भी उस लड़की को देखा अगली सुबह का सूरज नहीं देख पाया। लोग कांपती आवाज में बताते हैं कि 1967 में आखिरी बार यहाँ के स्टेशन मास्टर ने रात को स्टेशन की पटरियों पर एक लड़की के साए को देखा था, जिसके बाद अगली सुबह उसकी और उसके परिवार की काफी भयावह मौत हो गई थी। 1960 में खुले स्टेशन को 1967 में बंद कर दिया गया था। हालांकि 42 साल बाद सरकार ने इसे फिर से खोल दिया, पर यहाँ रात के अंधेरे में आज भी कोई नहीं जाता है। नंबर 3, लुधियाना रेलवे स्टेशन पंजाब। अगर आप लुधियाना जाने का प्लान कर चुके हैं तो इस रेलवे स्टेशन पर बैठे रिजर्वेशन क्लर्क का नाम जरूर पूछ लेना, कहीं ऐसा ना हो कि आपकी टिकट सुभाष का भूत काट दे। जी हाँ, यहाँ के लोगों का कहना है कि इस स्टेशन में एक सुभाष नाम का कर्मचारी काम करता था। साल 2004 में उनकी मौत उसी रिजर्वेशन सेंटर के कमरे में हो गई, पर सुभाष अपने काम के प्रति इतने समर्पित थे कि उनकी आत्मा आज भी रिजर्वेशन सेंटर के उस कमरे में ही रहती है। इसका सबूत ये भी है कि आज भी जो उस कमरे में बैठता है उसको बेचैनी होने लगती है, जैसे मानो उसका दम घुट रहा हो। नंबर 4, मुलुंड रेलवे स्टेशन मुंबई। मुलुंड रेलवे स्टेशन जाना हो तो दिन में ही चले जाइए और दिन में ही लौट आइए, क्योंकि एक भूत से तो आप जैसे तैसे भाग लेंगे, पर यहाँ तो कई भूतों का डेरा है। यहाँ के बारे में फेमस ये है कि इस रेलवे स्टेशन के ट्रैक पर सैकड़ों की संख्या में चीखने चिल्लाने और रोने की आवाज आती है। कहा जाता है कि उन लोगों के भूतों के चिल्लाने की आवाजें हैं जिनकी पटरी क्रॉस करते वक्त ट्रेन की चपेट में आने से मौत हो गई थी। नंबर 5, नैनी रेलवे स्टेशन यूपी। यूपी के नैनी रेलवे स्टेशन को काफी हॉन्टेड माना जाता है। इस रेलवे स्टेशन के पास नैनी जेल है। गुलामी के दिनों में इस जेल में सैकड़ों की संख्या में फ्रीडम फाइटर्स कैद किए गए थे। कहते हैं कि जो फ्रीडम फाइटर्स इस जेल में शहीद हो गए थे वही रात के वक्त इस रेलवे स्टेशन पर अपना खाना खोजने और पचाने आते हैं। तभी तो सूरज ढलने ही यहाँ खौफ पैदा हो जाता है और रात के वक्त यहाँ कई तरह के साए दिखते हैं। नंबर 6, पाताल पानी रेलवे स्टेशन MP। पाताल का नाम सुनकर ही अंधेरा और डरावने सीन आंखों के सामने दौड़ जाते हैं। ऐसे ही पाताल पानी रेलवे स्टेशन का माहौल है। इस रेलवे स्टेशन को काफी हॉन्टेड माना जाता है। आलम यह है कि यहाँ से गुजरने वाली हर ट्रेन एक आत्मा को सलामी देकर जाती है। अगर किसी ट्रेन ने सलामी ना देने की गुस्ताखी की तो उसका एक्सीडेंट हो जाता है। दरअसल अंग्रेजों ने फ्रीडम फाइटर टंट्या मामा भील को मारकर इस रेलवे ट्रैक पर फेंक दिया था, जिसके बाद से शहीद टंट्या भील की आत्मा यहाँ भटकती है। यहाँ उनकी एक समाधि भी बनाई गई है जिसको हर ट्रेन सलामी देकर ही गुजरती है। नंबर 7, रविंद्र सरोवर मेट्रो स्टेशन कोलकाता।
क्या आप कोलकाता जाने का प्लान बना चुके हैं? हम आपको चेतावनी देते हैं कि रात 10 बजे के बाद यहाँ के रविंद्र सरोवर मेट्रो स्टेशन पर कतई ना जाए, वरना यहाँ एक नहीं बल्कि कई भूतों से आपका सामना हो जाएगा। फिर तो आपकी हालत क्या होगी आप ही समझेंगे। कोलकाता के इस मेट्रो स्टेशन को लेकर पैरानॉर्मल एक्टिविटीज की स्टोरीज फेमस हैं। यहाँ रात के 10:30 बजे अंतिम मेट्रो ट्रेन चलती है, उसके बाद ये स्टेशन वीरान हो जाता है। यहाँ कई बार लोगों ने महसूस किया है कि अचानक ही कोई साया ट्रैक के बीच में आता है और पलक झपकते गायब हो जाता है। लोगों का ये भी कहना है कि यहाँ कई लोगों ने सुसाइड किया है जिनकी आत्माएं यहाँ भटकती हैं। नंबर 8, सुहागपुर रेलवे स्टेशन, MP। रात होते ही मध्य प्रदेश का सुहागपुर रेलवे स्टेशन पूरी तरह से वीरान हो जाता है। कितनी भी इमरजेंसी का काम हो, लोग सुबह होने के इंतजार में अपनी भलाई समझते हैं। इस रेलवे स्टेशन के बारे में लोगों का कहना है कि रात होते ही यहाँ से किसी महिला के चीखने चिल्लाने की आवाज आने लगती है। खौफ का ऐसा माहौल है कि यहाँ के आसपास के इलाके में बसे लोग भी रात को अपने घरों से नहीं निकलते हैं। जरा सोचिए, इस स्टेशन पर ड्यूटी देने वाले कर्मचारियों की रोज क्या स्थिति होती होगी, क्योंकि उन्हें तो अपनी नौकरी करनी है भले ही रात भर उनके दिमाग की घंटी बजती रहे। नंबर 9, द्वारका सेक्टर 9 मेट्रो स्टेशन, दिल्ली। दिल्ली तो दिल वालों की कही जाती है, पर यहाँ कुछ ऐसी जगह है जहाँ आने पर लगता है कि दिल की धड़कन ही रुक गई है। द्वारका सेक्टर 9 मेट्रो स्टेशन पर रात के वक्त अगर कोई लड़की आपके सामने आ जाए और वो लड़की आपसे किसी भी तरह की मदद मांगे तो सरपट वहाँ से भागने में ही आपकी भलाई है। समझ गए ना, वो लड़की जिंदा नहीं बल्कि एक आत्मा है। बात मेट्रो स्टेशन तक ही खत्म नहीं होती है। सफेद साड़ी वाली ये चुड़ैल कई बार कारों का भी पीछा करती है, जिसे देखकर अगर आप भाग रहे हैं तो कार की स्पीड हाई रखिएगा, क्योंकि वो कार की स्पीड से भी तेज भागती है। इसीलिए सिर्फ द्वारका सेक्टर 9 मेट्रो स्टेशन ही नहीं बल्कि इस इलाके से गुजरने में भी यहाँ के लोगों के पसीने छूट जाते हैं। नंबर 10, चित्तूर रेलवे स्टेशन, आंध्र प्रदेश। चित्तूर रेलवे स्टेशन पर कोई CRPF का जवान मिले तो अच्छे से जांच पड़ताल कर लीजिएगा, कहीं वो CRPF के किसी जवान का भूत तो नहीं जो न्याय पुकार रहा हो। दरअसल आंध्र प्रदेश के चित्तूर रेलवे स्टेशन को लेकर कई भूतिया कहानी फेमस है। यहाँ के लोगों का कहना है कि स्टेशन पर RPF और TT ने मिलकर CRPF के एक जवान की खूब पिटाई की थी, जिसके बाद उस जवान की मौत हो गई थी। कहा जाता है कि इस घटना के बाद वो जवान भूत बन चुका है और न्याय की मांग करता हुआ पूरे स्टेशन पर भटकता रहता है। अगर आप भी ऐसी किसी जगह पर जाने की सोच रहे हैं तो जरूरी है कि आप थोड़ा सावधान जरूर हो जाइए, कहीं ऐसा ना हो कि आपकी छोटी सी नजरअंदाजगी आपको किसी बड़ी मुसीबत में डाल दे। अगर आप इनमें से किसी स्टेशन पर गए हैं तो कमेंट करके हमें जरूर बताएं दोस्तों।